अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेसन में हमने फंड के ऊपर काम किया था, आज के इस लेसन में हम पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चेंज हो, उसकी अलाइनमेंट चेंज हो, उसमें बुलेट्स और नंबर अप्लाई हो, तो ये सारे काम आप पैराग्राफ से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। फाइव रोज देता हूँ और फाइव इसको मैं पैराग्राफ देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब हमने सबसे पहले बुलेट्स के ऊपर काम करना है, तो बुलेट्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। अली, तैमूर, उमर, उस्मान, वकास, खेजर। तो मैं कुछ नाम लिखते हैं यहाँ पे। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको सबसे पहले बुलेट्स में लाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखें बुलेट्स हैं। बुलेट्स के साथ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म के बुलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कोई भी बुलेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बुलेट्स आ जाएंगे। बुलेट के साथ है आपके पास नंबरिंग। अगर आप बुलेट्स नहीं देना चाह रहे, नंबरिंग देना चाह रहे, तो आप यहां से नंबरिंग दे सकते हैं। कोई भी नंबरिंग आप यहां से देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहां से ये वाली नंबरिंग दे देता हूं इसको। अब नंबरिंग के बाद मैं यहां पर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूं। यहां पर टेक्स्ट लिखा है मैंने। अब इस पर जब मैं यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई करूँगा तो ये देखें ये 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ ये 6 के बाद 7 से स्टार्ट हो, 7, 8, 9, 10। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस नंबरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सेट नंबर वैल्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे वैल्यू दे दें आपने, स्टार्ट सेट वैल्यू टू। अब यहाँ पे 6 के बाद मैं 7 से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। 7 ओके करता हूँ। 7, 8, 9, 10 आप देखें यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर आपने नंबरिंग चेंज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा। और मैं अब इसकी अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप देखें तो फिर 1 से स्टार्ट इसने किया। तो आप इसे नेक्स्ट आपने कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 11 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह था जी नंबरिंग एंड बुलेट्स। बुलेट्स नंबरिंग के बाद यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट के अलाइनमेंट है, जैसे कि अलाइन आ जाता है। अलाइन में आपके पास सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाई है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ हेडिंग देता हूँ। मैं हेडिंग देता हूँ MS वर्ड। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं चाहता हूँ कि इसका तो एक तो बोल्ड हो जाए, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से क्या हो, राइट पे चला जाए, तो राइट पे चला जाएगा। मैं कहता हूँ लेफ्ट पे आ जाए, तो लेफ्ट पे आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि जस्टिफाई हो, तो जस्टिफाई इसकी नॉर्मल पोजिशन यही होती है। मैं फॉर एग्जाम्पल सेंटर पर क्लिक करके मैं जस्टिफाई पर क्लिक करूँगा, तो देखें ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है। तो ये इसकी अलाइनमेंट होती है। आप पैराग्राफ की भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करें सारे को और यहाँ से इसको सेंटर पे क्लिक करें, सेंटर में आ जाएगा। अलाइन आप राइट पे क्लिक करें, राइट पे आ जाएगा। अब राइट पे जब आपने अलाइन किया हुआ है तो उसके बाद आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो ये राइट साइड से लिखा जाएगा, देख सकते हैं। देखिए राइट साइड से लिखा जा रहा है। नॉर्मल आपका टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो ये फिर राइट से ही लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं टेक्स्ट को लिखूंगा तो देखें ये यहाँ से इस साइड से लिखा जा रहा है। तो ये थी जिसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद आप बस यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, इसी लिस्ट को मैं मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल इसको हेडिंग के नाम से चेंज करना चाह रहा हूँ या आर्टिकल के नाम से चेंज करना चाह रहा हूँ। देखें आर्टिकल के नाम से आ गया, आर्टिकल हामिद है, आर्टिकल अली है, आर्टिकल हसन है। देखें
और ये आर्टिकल भी ये वापस जा रहा है। अब इनको मैं आर्टिकल की जगह अगर मैं इनको हेडिंग में देना चाह रहा हूँ या चैप्टर में देना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप चैप्टर में देना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे या फिर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी दिया हुआ है रिपीट आउटलाइन नंबरिंग, कंट्रोल वाई एंड यहाँ पर देखें अंडू बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो अंडू का फंक्शन ही होता है कि आपने जो काम किया हुआ है इसको आप रिपीट करना चाहें तो आप अंडू यहाँ से क्लिक करें तो फिर दोबारा वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और रीडू करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो अंडू आपने जो काम किया हुआ है इसको दोबारा पीछे आप जाना चाह रहे हैं, आप अगर आपने जो काम किया उसे दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अंडू करते जाएं, देखें अंडू होता जाएगा, रीडू करेंगे तो वही काम वापस आते जाएंगे। आर्टिकल को ख़त्म करना चाह रहे हैं दोबारा अंडू कर दूँ। इसके बाद आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट के बाद है लाइन, यहाँ पे देखें लाइन स्पेसिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखें लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग अगर बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं और 1.0 भी ला सकते हो। तो 1.0 जो नॉर्मल लाइन स्पेसिंग है वो आ गई इसकी। लाइन स्पेसिंग के बाद आपके पास यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को देखें इंक्रीज इंडेट करते हैं तो ये आगे जा रहे हैं, आप डिक्रीज इंडेट करेंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेट कर सकते हैं। अब इंक्रीज इंडेट और डिक्रीज इंडेट का फंक्शन क्या, देखें मैं व्यू में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर रूलर है, रूलर को सामने डिस्प्ले करवा रहा हूँ, यहाँ पर रूलर सामने आ गया। अब देखें आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है आपका टेक्स्ट तो ये आगे यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप उसके लिए आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये एंडेड होता है, इसको आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ से देखें इंक्रीज करें, देखें ये आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं ये आगे जा रहा है। डिक्रीज करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में वापस आ जाएगा। इसके बाद आप अपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें और हाईलाइट कर दें, हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट नहीं करना चाह रहे तो आप नो कलर पे क्लिक करें, हाईलाइट खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 लिस्ट दी हुई है या फिर आपके पास ये लिस्ट के अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने टेबल क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक टेबल दे देता हूँ। तो यहाँ पे अभी टेबल नहीं है ये, अगर आपने अपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो देखें एक बॉक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके लेफ्ट साइड पे देना चाह रहे हैं, टॉप पे देना चाह रहे हैं, टॉप पे एक लाइन आ जाएगी। आप इसके बॉटम में लाइन देना चाह रहे हैं, बॉटम में लाइन आ जाएगी इस पैराग्राफ के। आप इसके लेफ्ट पे देना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे आ जाएगी। राइट पे देना चाहें, राइट पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से इस पर चेंज कर सकते हैं, इस पर ड्रॉ टेबल आ जाता है, ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट में करेंगे आगे। तो ऑल बॉर्डर से क्लिक करें, बॉर्डर्स पे आ जाएंगे। बॉर्डर को ख़त्म करना चाह रहे हैं दोबारा यहाँ पे जाएं और नो बॉर्डर पे क्लिक करें तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। बॉर्डर पे क्लिक करें, ऑल बॉर्डर्स देने के बाद आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो बॉर्डर के अंदर अंदर जितना एरिया वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। और अगर बॉर्डर को ख़त्म करना चाह रही हैं नो बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है यहाँ पे सॉर्ट, सॉर्ट यहाँ पे करके देखते हैं, देखते हैं सॉर्ट होगा कि नहीं। क्लिक करते हैं यहाँ पे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब सॉर्ट पे ये होगा, सॉर्ट पे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाह रहा हूँ, मीन मैं चाहता हूँ ए वाले पहले आ जाएं, फिर बी वाले आ जाएं, सी वाले आ जाएं। और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ए वाले पहले आ गए, फिर के टी यू यू वाले सारे आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसका नंबरिंग भी चेंज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे ही चेंज हो गए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर, देखते हैं नंबर पर काम करते हैं कि नहीं। और इसको मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पर ही काम नहीं कर रहा ये, बेसिकली आपस टेबल के अंदर ही काम करेगा। अब टेबल पे टेबल में क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट करने का जो तरीका कार है वो ये कि आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करें और प्लस का बटन प्रेस करें और फिर टैब का बटन प्रेस करके प्लस एंड एंटर कर दें तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक टेबल बन गया। मैं इस पर 1 लिखता हूँ, इस पर कुछ नंबर देता हूँ 8, अब ये नंबर दे दिया मैंने।
अभी मैंने कुछ नंबर दे दिए, आप देख सकते हैं। अब इन नंबर को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ये नंबर सिलेक्ट किए हुए इनको डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग मीन 10 टू 1 पे आए, पहले 10 आए, 9 आए, जो भी है यहाँ पे जो सबसे टॉप वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, सबसे टॉप 9 है तो 9 ऊपर आ जाए, फिर इस तरह से ऑर्डर में चला जाए। तो देखिए मैंने इसका कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो डिसेंडिंग में आ गया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी को मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और असेंडिंग में लेके जाता हूँ, तो ये 1 2 9 आ जाएगा। ओके करें, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं ए वाली वैल्यू पहले आ जाए, फिर बी वाली आ जाए, फिर सी वाली आ जाए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ये खुद ट्राई करके देख लें। इसके बाद है कंट्रोल जेड प्रेस कर लें ख़त्म करने के लिए। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये पैराग्राफ सिंबल होता है, जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ का सिंबल दिया हुआ है वहाँ पे देखें, ये देखें जहाँ पे हमने एंटर किया है, या फिर आपने ये शो हिडन होता है आपके पास, जो हिडन फॉर एग्जांपल जो जो लाइनें आपके पास जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, तो पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, देखें यहाँ पे बता रहा है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो ये वो शो कर देता है कि आपके पास पैराग्राफ कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। शो एंड हाइड, यहाँ पे देखें शो पैराग्राफ मार्क्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ लें। तो पैराग्राफ को शो करने के लिए याद दिया जाता है, तो इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, सॉरी हाइड हो जाएगा, क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। तो ये था जी पैराग्राफ सिंबल। ये पैराग्राफ सिंबल जो है ये आपके पास प्रिंट पे नहीं आता, अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट पे ये चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ आपको पैराग्राफ शो करवाता है आपको। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम स्टाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।